रांची के लिए सीधी बस सेवा शुरू। दोनों राज्य के लोगों को होगी सुविधा। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों को राहत मिली है। सीधी बस सेवा ना होने से निजी वाहनों से यात्रा करने वाले रांची के लिए वासियों को बड़ी राहत मिल गई है। रापनी के गोंदिया डिपो ने अब रांची के लिए सीधे बस फेरी शुरू कर दी है। रांची वासियों को नवरात्रि पर्व पर यह भेंट मिली है, उसे अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़े गोंदिया नगर का बाजार प्रव्याप है, जिसमें मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक इस शहर में खरीदी व उपचार, शिक्षा तथा रिश्तेदारों व अन्य कामों के लिए अक्सर आते जाते हैं। दोनों राज्य के लोगों को होगी सुविधा। जहां दिन के सुबह 10:30 में गोंदिया डिपो से यह बस छूटकर दोपहर 12:30 में वापस लौट रही है। इसी तरह गोंदिया डिपो से मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बस चलाई जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश के मालाजखंड के लिए 2, बालाघाट के लिए 1 फेरी शुरू कर दी गई है। इसमें साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के डोंगरगढ़ के लिए भी 1 फेरी बस सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।